Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome to Navnidhi International School online video platform. So dear students, here we will study the last part of A Gift of Chapels. From previous part we will continue here. Okay, so in previous part we discussed, we studied that children Ravi, Bridhu, okay, जो students थे इन्होंने उस beggar को एक चप्पल दे दिया अपने घर से लाकर और वो beggar उनको blessing करके वहाँ से चला गया. ठीक है, एंड उसके बाद से हम यहाँ से पढ़ेंगे. फिर उसके उन जो म्यूजिक टीचर है वो आए, फिर उनका चप्पल उन्होंने सर्च किया. ही सर्च्ड हिज चप्पल्स बट ही डिडंट फाइंड, एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड अनदर स्टूडेंट्स. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ हम यहाँ से पढ़ेंगे. सुन लाली वेंट इनटू द इन टू टेल हर मदर. जो लाली है वो उस म्यूजिक टीचर की जो स्टूडेंट्स थी म्यूजिक सिखाती थी वो लाली क्या गई ना सीधे अपनी मम्मी को बोलने गई. रुक्मणी अपियर्ड लुकिंग हरास्ड विथ पार्टी फॉलोइंग हर. ओके, तो रुक्मणी वहाँ पे दिखाई दी क्योंकि टीचर यानी म्यूजिक टीचर की चप्पल खो गया है, तो थोड़ी सी शर्मिंदे के साथ उन्होंने वहाँ पर आई और उसके साथ उनकी जो पार्टी थी यानी ग्रैंड मदर जो थी वो भी उसके पीछे पीछे आई. वेयर कुड दे बी, ओके, कहाँ हो सकते हैं दे मीन चप्पल्स. वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकते थे रुक्मा. एंड इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. हो सकता है मे बी कि कोई ना कोई आकर उसको चोरी करके ले गया होगा. अब चोरी तो हो सकता है. ठीक है, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी. उसमें बहुत सारे वेंडर जो होते हैं ना वहाँ पे, वेंडर का मीन्स क्या होती है जो आपको ठेले में बेचने वाले जो लोग होते हैं. सो मैनी वेंडर्स कम, यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं जो ठेले में बेचते रहते हैं, तो वो सारे आते होंगे और उनमें से कोई ले गया होगा. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो पैटी ने बोली, वरीड यानी परेशान होकर उसने बोली. रुक्मणी कट साइट ऑफ रवि, ओके, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. तो उस वक्त मृदु, मीना, रवि वो सब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और रुक्मणी की नज़र वहाँ पे गई. ठीक है, और रुक्मणी वहाँ पे जाकर उनको पूछने लगे, हैव यू चिल्ड्रेन सिविंग एंड देन सिंग. दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, ओके, and seen anyone lurking around the baranja. Okay, तो वहाँ पर जाकर बोले, have you children, क्या आप लोग को पता है सिविगन. Okay, फिर से उनको start किया and then seeing they were curiously quiet. और चुपचाप वो तो जानते हैं क्योंकि चप्पल ने उन्होंने उन बच्चों ने ही दे दिया है, तो वो सब curiously quiet, okay, इच्छुक के साथ वो चुपचाप रहे. went on more slowly, और धीरे धीरे वहाँ से गए. ठीक है, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरंडा. फिर वहाँ पे बोले कि कोई बरंडा का देखा गया, बरंडा इसमें. ठीक है, ए वी माने ए शार्प बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. ओके, लर्किंग मीन्स वेटिंग क्वाइटली, जो विदाउट अटैचिंग अटेंशन जो बोलते हैं दैट इज लर्किंग बोलते हैं. सो अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपियर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ. ओके, रुक्मणी वॉज एंग्री. ठीक है, तो उसने जाकर बोले कि ए वी सेप्ट लाइन हार्ड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, क्योंकि उसका रुक्मणी जो है ना उनकी आँख में ऐसा ऐसा गुस्से में देखी सब बच्चों को कि तुम लोग ही जब परेशान किए होगे जरूर वहाँ पे कहाँ रखे होगे, और गुस्से में आ गई. ठीक है, प्लीजेंट माउथ यानी गुस्से में बोलने लगी, रुक्मणी वॉज एंग्री. तो उसकी एक्सप्रेशन से, ऐसे एक्सप्रेशन से पता चलता है कि रुक्मणी कितना गुस्सा हो गई थी. ठीक है,
प्लेस ऑफ सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ रुक्मणी वॉज एंग्री थर्ट मृदु विथ ए सिल्वर, ठीक है, थर्ट मृदु विथ ए सिल्वर, सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पोअर बिगर विथ शोर ऑन हिज फीट सी ट्राई टू टेल हर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोली नाम रुक्मणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विथ सीवर, क्योंकि अपने मृदु ने सोचने लगी कि रुक्मणी बहुत गुस्से में है, समझेंगे नहीं, और सी वुडंट बी सो अपसेट, अब उनको उतना भी अपसेट नहीं होना चाहिए, अगर यदि उनको पता होता कि वो जो पुअर बिगर है, जो भिखारी है, वो कितने परेशान झील रहा था, उसके पास चप्पल नहीं था और उस हालत में वो बाहर गया, तो उनको अगर ये पता होता तो उतना अपसेट नहीं होती और उनको होना नहीं चाहिए। सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बिगर विथ सोर ऑन हिज फीट, वो अगर उनको पता होगा तो उनको परेशान नहीं होगी। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, यानी मृदु ने अपने आप को ये बोलने लगी कि जो रुक्मणी है बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, लेकिन उनको अगर उस बेगर के बारे में पता चलेगा तो वो इतना परेशान नहीं होगी, ठीक है। सो टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड रुक्मणी देर वॉज ए बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, ओके। तो टेकिंग ए डीप ब्रेथ, यानी मृदु ने डिसाइड कर दिया ये जो बातें हैं भिखारी के बातें हैं और उन्होंने चप्पल उसको दिए हैं, ये सारे बातें वो रुक्मणी को बता देंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने रुक्मणी को बुलाई, ठीक है। सी क्राइड रुक्मणी, उसने बोली रुक्मणी रुक्मणी सुनो, देर वॉज ए बेगर हियर, उन्होंने बोले कि वहाँ पर एक भिखारी थी, ठीक है, पुअर थिंग, बहुत गरीब लड़का, गरीब भिखारी था, एंड ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पाँव में बस छाले निकल गए थे, धूप में छाले निकल गए थे, बहुत परेशान था, सो सेड रुक्मणी ग्रिमली। तो यहाँ पे ये बात जब से मृदु ने रुक्मणी को बताई तो मृदु की जो रुक्मणी ने उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन करके बोले सो क्या हुआ, सो व्हाट, हाँ है थे भिखारी था, गरीब था, छाले निकल गए तो क्या हुआ, सो क्या हुआ। टर्निंग टू रवि, रवि को फिर देखकर उसने बोले सो क्या हुआ, यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स, ओके, टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अफ हियर, ओके। उसके बाद उन्होंने लिखी यू हैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स, तो फिर तुम्हारे पास ही म्यूजिक मास्टर के चप्पल था, टू ओल्ड बेगर हु टर्न अफ हियर, तो यहाँ पर जो पुराना जो बूढ़ा भिखारी था उसको तुमने दे दिया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने लगी रुक्मणी, चिल्ड्रेन दिस रेस ग्रोंड पार्टी, ओके। तो पार्टी भी चिल्लाने लगे कि बच्चों ये क्या हो रहा है आजकल, ऐसे उसकी जब ये बात सुने कि जब दे दिए होगे तो उनकी जो दादी है, दादी माँ जो बोलते हैं ना, ग्रैंड मदर, वो चिल्लाई कि बच्चों ये क्या कर रहे हो आजकल, क्या हो रहा है। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हर्ड, इवन इज गोल्ड इयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरियस, ओके। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया जो रवि ने रुक्मणी को बताया कि अम्मा डिडंट यू टेल मी, क्या आपने मुझे नहीं बताए थे कि महाभारत का जो कर्ण है वो सब कुछ अपना दान कर दिया था, इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स, वो जो सोने का अंगूठा भी पहना था, वो भी मरने के वक्त वो अपना सब कुछ दान कर दिया था। ही वॉज काइंड एंड जेनरियस, वो बहुत दयालु था और दानी था। He was famous, he was generous, he was kind, वो अपने सब कुछ लोगों को दे दिया था, ठीक है। तो रुक्मणी ने थोड़ा साइली मैंने सिली मोमेंट में आकर बोली कर्ण डिडेंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने बोला है कि कर्ण, हाँ ठीक है कर्ण ने दिया था, लेकिन कर्ण कभी भी दूसरे की चीज़ लाकर दूसरों को नहीं दिया था, वो अगर दिया था तो अपना ही चीज़ दिया था। तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल को दे दिया, अगर देना था तो अपना चप्पल दे देना चाहिए था, ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट माई चप्पल स्टूडेंट हाफ फिटेड द बेगर्स फीट, तो रवि ने ये बताया ठीक है मैं भी देना चाहता था मेरा चप्पल, लेकिन मेरा जो चप्पल है ना वो बेगर को यानी भिखारी को फिट नहीं कर रहा था, फिट नहीं हुआ तो पहनेगा कैसे, ठीक है। रवि रस्ड ब्रेसली ऑन, ओके, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट Would you really not have minded? Okay. उसके बाद वहाँ पर रवि रस्ड वर्सली, रवि
अम्मा के पास जाकर बोलता है फिर, एंड अम्मा इफ दैट डिड फिट, मेरा पा मेरा जो चप्पल है उसको तो फिट नहीं हो पाता था, और फिट होता तो मैं जरूर दे देता, लेकिन अगर मैं दे देता, ठीक है, डू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या तुम माइंड नहीं करते, मुझे चिल्लाते नहीं, मुझे डांटते नहीं, ऐसा जाकर उसने अम्मा को बोला। रवि सेड रुक्मणी, ओके, रुक्मणी गुस्से में आकर बोले, रवि ये कैसे बात कर रहे हो अपने अम्मा से, ठीक है कि नहीं, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अब यहाँ पे तुम यहाँ पर रुकना नहीं है, चुपचाप घर के अंदर चले जाओ, तुम मेरे दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो रुक्मणी ने रवि को चिल्लाई, सी हरीड इंडोर एंड ब्रट आउट गोपू मामास हार्डली वन, ओके, सी हरीड इंडोर, और तुरंत रुक्मणी ने घर के अंदर गई और जाकर वहाँ पे गोपू मामास हार्डली वर्न न्यू चप्पल, तो पे गोपी मामा, गोपू मामा का एक नया चप्पल था, उस नया चप्पल को लेके आई, दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, ओके, वो चप्पल को उनको दिए कि सर ये चप्पल आपको फिट होगा, आप ये चप्पल को पहन लीजिए, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ओके, माई सन हैज बीन वेरी नटी, उसने बोले कि आई एम सॉरी, समझेगी नहीं, वो म्यूजिक मास्टर को बोली कि आई एम सॉरी, मेरा जो लड़का है बहुत बदमाश है और उसने ऐसा कर दिया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, वहाँ पे म्यूजिक मास्टर के जो आईज है पूरे गुस्से में ऐसे हो गया, ठीक है, एंड ही पुट देम ऑन, फिर उसके बाद वो चप्पल को लिया, एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था और इसलिए वो ऐसे दिखा रहा था कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, ओके, और उसके बाद ये बोला कि आई सपोज, मैं ऐसा करता हूँ कि ये फिर से होगा, एंड दीज डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, और वो म्यूजिक मास्टर ने ये भी बताया कि आजकल जो बच्चे हैं वो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, अब वो करना क्या है, फिर से होगा ये, ठीक है, ऐसा कह के जो म्यूजिक मास्टर है वो रुक्मणी के सामने इंसल्ट कर दिया, अपने बच्चों को यानी रुक्मणी के जो बच्चे थे उनको इंसल्ट कर दिया। अ ह्यूमन इनकैरिनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नटी फेलो, ओके, ए हनुमान इनकैरिनेट, हनुमान मीन्स पता है ना आपको, भक्त हनुमान जो है राम जी के भक्त थे, ठीक है, इनकैरिनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नटी फेलो, और उसने बोला सिर्फ राम ही उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जब बदमाशी कर रहे थे तब उनको कोई भी रोक नहीं पाता था, ठीक है, अब उस वक्त राम ही उनको मदद किए थे, तो ये बात उन्होंने बोला कि राम ही ऐसे बच्चों को सेव कर सकते हैं। रुक्मणीज आईज फ्लास, और ऐसी बातें, ऐसे इंसल्ट बातें सुनकर रुक्मणी की आंखें फास्ट हो गया, ठीक है, इंसल्ट हो गई, सी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड मंकी, क्योंकि म्यूजिक मास्टर ने उसको मंकी के साथ यानी हनुमान के साथ कंपेयर कर दिया कि ये हनुमान जैसा हरकत कर, क्योंकि हनुमान आपको पता है कि जो हनुमान जी है ना, भगवान हनुमान, वो बचपन में बहुत बदमाशियाँ करते हैं, नटखट काम करते थे, और उनको अगर भी कोई सुधारा है तो भगवान राम जी ने सुधारा है, ठीक है, ठीक उसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपका लड़का ऐसा ही है, बंदर जैसे हरकत करता है, और उनको अगर कोई सेव करेगा, रक्षा करेगा, तो कौन, राम है सेव करेंगे, ठीक है, और ये बात सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा रुक्मणी को, क्योंकि उनकी लड़का को कोई बंदर बोला है, ठीक है, ये मैंने होली मंकी, भले ही वो हनुमान जी का नाम लिया हो लेकिन बंदर ही तो है ना, ठीक है, तो सी स्टूड स्टेप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और उसके बाद सी स्टूड स्टेप गुस्से में खड़े हो गई एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, एंड इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ओके, और वहाँ पे फ्रंट डोर को दिखा दिए कि दरवाज़ा, हाँ सर जाइए, तो इससे ये पता चलता है कि वो चाहती है कि यहाँ से म्यूजिक मास्टर तुरंत चले जाए, है ना, क्योंकि अब म्यूजिक मास्टर ज़्यादा रहेगा तो उसके बच्चों को ज़्यादा इंसल्ट करेगा, और एक माँ कभी भी ये सह नहीं सकती, और इसलिए वो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी मास्टर चले जाए, ठीक है। When he heard clattered off in his new chapel, she said, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, ओके, उसके बाद वेन ही हार्ड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, अब वो जब उनको चप्पल मिल गया है तो फिर वो जाएंगे,
ठीक है कि नहीं। सी सेड यानी रुक्मणी ने बोली कि मृदु कम आ जाओ इन एंड हैव सम टिफिन, घर के अंदर आओ और कुछ टिफिन करो। ठीक है, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग। ओके, थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। ठीक है, तो वहाँ पे फिर बोली कि थैंक गॉड योर गोपू मामा, तुम्हारे गोपू मामा को थैंक करो क्योंकि आज उन्होंने चप्पल पहन के नहीं गए थे काम में। एज सी वर्कड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना सी सडनली बिगन टू लाफ, और जैसे ही वो मृदु मीना के साथ रुक्मणी किचन में जा रही थी और वो हंसने लगी, क्योंकि डेफिनेटली ये मजाक की बात है और वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम होम। ओके, और उसके बाद उनको पता था, बट ही ऑलवेज इन सच ए हरी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में रहते हैं, टू थ्रो ऑफ हिज शूज, और वो जब ऑफिस में आते हैं ऐसे शूज को फेंक देंगे एंड सॉक्स फेंकेंगे एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम होम, जैसे ही वो घर आएंगे शूज को फेंकेंगे और चप्पल के लिए ढूंढेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। फिर रुक्मणी ने उनको बोली कि आज अगर तुम्हारे मामा घर आएंगे गोपू मामा, और मैं उसको क्या बोलूँगी कि तुम्हारा मैं ये बोलूँगी कि तुम्हारा चप्पल मैं उस भिखारी को दे दिया है, तो फिर तुम्हारा मामा जो है वो क्या रिएक्ट करेंगे। अब तब तक हम वेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो गिफ्ट ऑफ चप्पल जो है वो कंप्लीट हुआ, समझे नहीं। फाइनली उन्होंने जो रवि ने चप्पल दे दिया किसको ना, वो बेगर को, और उसके बाद म्यूजिक मास्टर आए अपने चप्पल के लिए ढूंढे लेकिन नहीं मिला। फाइनली मृदु ने बता दिया, चप्पल उनको दे दिया गया। फिर रुक्मणी ने रवि को गुस्से में डांट फटकारा लगाई और फिर उन्होंने गोपू मामा की न्यू चप्पल उनको दे दिया म्यूजिक मास्टर को। म्यूजिक मास्टर ने पहने और फिर उन्होंने उनकी बच्चों को इंसल्ट किया, बंदर के साथ यानी हनुमान जी के साथ कंपेयर किया, और ये बात उनको रुक्मणी को अच्छी नहीं लगी और वो चाहती थी कि जल्दी वहाँ से चले जाए। न्यू चप्पल तो आपको मिला है, आप चले जाए। ठीक है, और उसके बाद ये जो है सोचने लगी कि गोपू मामा की वजह से ये हुआ है, अगर नहीं होता तो वो म्यूजिक मास्टर और क्या बोलता। ठीक है कि नहीं, और थैंक गॉड उन्होंने किया। और फिर बोले गोपू मामा घर आएंगे शाम को, वो चप्पल ढूंढेंगे तो क्या बोलेंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, एंड टिल देन ट्राई टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड लर्न ऑल द हार्ड वर्ड्स। ओके।